अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है साकिब खान और आप देख रहे हैं द मैजिकल माइंड्स। दोस्तों, सर्दियों के मौसम में टेम्परेचर दिन ब दिन गिरता चला जाता है, तो ऐसे में दिन के साथ साथ सर्दियों की रातें और भी ज़्यादा ठंडी हो जाती हैं। अब जिन लोगों को जॉइंट्स में दर्द रहता है, कमर में दर्द रहता है, बोन्स यानी हड्डियों में दर्द रहता है, उनके लिए परेशानी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसे में इस तरह की परेशानी वाले लोगों को डॉक्टर्स इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट इस्तेमाल करने की सलाह देते हैं, क्योंकि नॉर्मल ब्लैंकेट को गर्म होने में काफ़ी वक्त लग जाता है, लेकिन इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, जिससे सर्दियों में हड्डियों को बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। तो आज की वीडियो के अंदर दोस्तों, मैं आपसे इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट के ही बारे में तफसील से बात करने वाला हूँ। आज मैं आपको बताऊंगा कि इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट्स कितने टाइप्स के होते हैं, इनके अंदर क्या क्या फीचर्स और क्या क्या खासियतें होती हैं, और अगर आप इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ एंड तक। अब मैं आपसे बात करता हूं इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट के बारे में। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो दोस्तों, फिलहाल अभी ये तीन टाइप्स में आते हैं। एक होता है इलेक्ट्रिक अंडर ब्लैंकेट, दूसरा होता है इलेक्ट्रिक ओवर ब्लैंकेट, और तीसरा होता है हीटेड थ्रो। तो आइए अब तीनों को तफसील से समझते हैं। आइए पहले हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक अंडर ब्लैंकेट के बारे में। दोस्तों, ये ब्लैंकेट सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले ब्लैंकेट्स में से एक है। ये बहुत सारी वैरायटियों में और अलग अलग कपड़ों में भी अवेलेबल है, जैसे ये पॉलिस्टर मलमल के कपड़े में भी अवेलेबल है, वूल यानी ऊन के कपड़े में भी अवेलेबल है, और इसके साथ साथ दोस्तों ये बहुत बड़े साइज में अवेलेबल होते हैं। जी हाँ, काफ़ी साइज के आते हैं, बहुत बड़े साइज भी आते हैं, बहुत छोटे साइज भी आते हैं, और इसको गद्दे के ऊपर और बेडशीट के नीचे रखकर इस्तेमाल किया जाता है। जी हाँ, क्योंकि ये अंडर ब्लैंकेट है, समझे आप, इसको गद्दे के ऊपर और बेडशीट के नीचे रख के इस्तेमाल किया जाता है, और सोने से सिर्फ 10 मिनट पहले इसे ऑन करना पड़ता है, और इसके अंदर यह भी खासियत है कि ये पूरी रात गर्मी दे सकता है। आइए अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक ओवर ब्लैंकेट के बारे में। दोस्तों, इलेक्ट्रिक ओवर ब्लैंकेट बामुकाबले इलेक्ट्रिक अंडर ब्लैंकेट के बिल्कुल ही अपोजिट है। जी हाँ, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक अंडर ब्लैंकेट को आप अपने गद्दे पर बिछाकर या अपनी बेडशीट के नीचे बिछाकर उस पर लेटकर उसे इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इसके अंदर ऐसा है नहीं। इसे लेटकर तो इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इसके ऊपर लेटकर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। जी हाँ, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक ओवर ब्लैंकेट है, यानी ये आपके ऊपर आएगा तब आप इसे इस्तेमाल करेंगे। जैसे आप रजाई ओढ़ते हैं, कोई लिहाफ ओढ़ते हैं, कोई कंबल ओढ़ते हैं, उस तरह से आप इसे इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक ओवर ब्लैंकेट है। इलेक्ट्रिक अंडर ब्लैंकेट को बिछाकर उस पर लेटकर इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इलेक्ट्रिक ओवर ब्लैंकेट को ओढ़कर इस्तेमाल किया जाता है, इस पर आप लेटेंगे नहीं, इसमें ये फर्क है। और ये ब्लैंकेट भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, काफ़ी लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, और इस तरह के ब्लैंकेट भी आपको पूरी रात गर्मी बड़ा आराम से प्रोवाइड करा सकते हैं। लेकिन इस तरह के ब्लैंकेट्स को कंपनियां जब इस्तेमाल करने की सलाह देती हैं, तो उसके अंदर मोटा मोटा मेंशन करती हैं कि आप जब भी इस तरह के ब्लैंकेट खरीदो और इस्तेमाल करें, तो इसे किसी कवर में डाल लें, उसके बाद इसे इस्तेमाल करें। जैसे हमारा लिहाफ होता है, हम उसे किसी कवर में डाल देते हैं, कवर सिल लेते हैं घर पर, या बाहर से ले आते हैं सिला सिला, उसके बाद डालकर उसे इस्तेमाल करते हैं, रजाई को डाल लेते हैं या किसी कंबल को डाल लेते हैं किसी कवर में, वैसे ही इसका भी है कि इलेक्ट्रिक ओवर ब्लैंकेट को किसी कवर में डालकर इस्तेमाल किया जाए तो इसका रिजल्ट बहुत अच्छा रहता है, और ये जल्दी गंदा भी नहीं होता। तो इस बात का भी आप खास ख्याल रखिएगा। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं तीसरे इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट के बारे में, जिसका नाम है हीटेड थ्रो। दोस्तों, इलेक्ट्रिक अंडर ब्लैंकेट और इलेक्ट्रिक ओवर ब्लैंकेट के मुकाबले में ये तीसरा यानी हीटेड थ्रो तो बिल्कुल ही अलग है। जहां मैंने आपको बताया कि आप एक कंबल को बिछाकर इस्तेमाल कर सकते हैं, उस पर लेटकर उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, वहीं दूसरे को ओढ़कर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये तीसरा जो है, इसके अंदर तो ये दोनों फीचर हैं। इसे आप इस पर लेटकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके साथ साथ दोस्तों इसे ओढ़कर भी इसे इस्तेमाल किया जा सकता है, इसके अंदर ये दोनों खासियतें हैं। इसे बिछाकर अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे दोस्तों, तो आपका बेड बड़ा आराम से गर्म हो जाएगा, और इसके साथ साथ अगर आप पहले लेटकर और उसके बाद इसे ऑन करके आप ओढ़ते हैं, तो आप भी और बेड भी दोनों बहुत अच्छी तरह से गर्म हो जाएंगे। ये बेहद अच्छी खासियत है दोस्तों। ये ऐसा नहीं है कि इसे बिछाकर ही सिर्फ इस्तेमाल किया जाएगा या सिर्फ इसे ओढ़कर ही इस्तेमाल किया जाएगा। अगर आपकी मर्जी है आप इस पर लेटकर इसे इस्तेमाल करें, अगर आपकी मर्जी है आप इसे ओढ़ना चाहते हैं, तो आप इसे ओढ़कर इसे इस्तेमाल करें। मर्जी आपकी है, चीज आपकी है, चॉइस आपकी है, पैसा आपने खर्च करा है, तो आप जो चाहे वैसा कर सकते हैं। आप देखिए कि आपको कौन सा सूट करता है। अगर आप लेटकर उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं तो अंडर ब्लैंकेट खरीदिए, अगर आप ओढ़कर उसे इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप ओवर ब्लैंकेट खरीदिए, लेकिन अगर आप ये दोनों फीचर किसी एक ब्लैंकेट में चाहते हैं, तो आपको हीटेड थ्रो वाला इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट चाहिए, उसे आप खरीद कर इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, इस तरह के इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट इलेक्ट्रिक अंडर ब्लैंकेट के मुकाबले में और इलेक्ट्रिक ओवर ब्लैंकेट के मुकाबले में बहुत ही ज्यादा वर्सेटाइल और अट्रैक्टिव होते हैं। दोस्तों, अब से लेकर मैं वीडियो के एंड तक जो भी बातें आपको बताऊंगा, आप बड़े ध्यान से और गौर से सुनिएगा, क्योंकि मैं आपको काफी कुछ अंदर का बताने वाला हूं इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट से रिलेटेड। पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट्स की सेटिंग्स के बारे में। दोस्तों, ज्यादातर इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट्स एडजस्टेबल हीटिंग सेटिंग्स के साथ आते हैं, जिसकी मदद से हम कंबल के टेम्परेचर को यानी कंबल की हीट को कम या ज्यादा कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे कंबल ऐसे हैं दोस्तों जो अब बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, तो बिल्कुल अप टू डेट उनके अंदर चीजें आ रही हैं, वो ये हैं दोस्तों कि अब बहुत सारे कंबलों के अंदर प्री प्रोग्राम एडवांस सेटिंग्स के फीचर आ गए हैं। जी हाँ, इससे क्या होगा, इससे ये होता है दोस्तों कि आप सिर्फ एक बटन दबाते ही, आप जैसे ही एक बटन दबाएंगे, तो आप उस कंबल के टेम्परेचर को या तो बढ़ा लेंगे या घटा लेंगे। लेकिन बढ़ाना घटाना ही नहीं, ये इतने ज़्यादा स्मार्ट हो गए हैं, और ये ऐसा फीचर है दोस्तों कि ये फीचर आपको आपके कंफर्ट के हिसाब से गर्मी देता है। अगर आपके कंफर्ट के हिसाब से गर्मी ज़्यादा है, ज़्यादा हीट दे रहा है, तो एक स्विच से आप बड़े आराम से अपने कंफर्ट के हिसाब से गर्मी को कम कर सकते हैं। और अगर ज़्यादा ही ठंडक है, ज़्यादा गर्मी नहीं दे रहा और आपको ठंड लग रही है, हीट कम उसमें से निकल रही है, आप एक बटन दबाते ही अपने हिसाब से इसे सेट कर सकते हैं, और ये आपके हिसाब से गर्मी देना दोबारा शुरू कर देगा। तो इस बात का आप खास ख्याल रखिएगा
पहले वाले जो पुराने जमाने के अंदर इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट्स आते थे उसके अंदर हीटिंग सेटिंग्स के अंदर ज़्यादा जोर नहीं देती थी कंपनियां, बस फीचर डाल दिया और उसके बाद कभी ज़्यादा हो गई हीट तो वो भी इंसान सह रहा है, कम हो गई तो वो भी सह रहा है, किसी को ठंड लग रही है, किसी को गर्मी लग रही है। लेकिन अब ऐसा है नहीं, अब जो है एडवांस सेटिंग आ गई है जो आपकी बॉडी को मॉनिटर करने के बाद ही आपको हीट देती है। अगर आपकी बॉडी को हीट ज़्यादा नहीं चाहिए तो कंबल नहीं देगा ज़्यादा हीट, और अगर आपकी बॉडी को हीट कम मिल रही है तो कंबल अपनी हीट बढ़ाकर आपको गर्मी देना शुरू कर देगा। तो इस बात का आप खास ख्याल रखिएगा दोस्तों। मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप एडजस्टेबल हीट सेटिंग और मैनुअल हीट सेटिंग्स वाले ही इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट खरीदें जिसमें ये दोनों फीचर हों, एक ब्लैंकेट के अंदर ये दोनों फीचर हों वो वाला खरीदिए। क्योंकि हमारे घर में दोस्तों बुजुर्ग भी हैं, मान लीजिए मैं इस्तेमाल करता हूँ, आप इस्तेमाल करते हैं, आप यंग हैं तो आप झेल जाएंगे अगर हीट ज़्यादा उसमें निकल रही है। लेकिन अगर कोई बुजुर्ग भी है उसको आप मैनुअल के हिसाब से सेट करना चाहते हैं तो आप मैनुअल भी करें, ऑटोमेटिक के चक्कर में मत पड़ें। तो इस बात का आप खास ख्याल रखिएगा। बहुत सारे कंबल ऐसे भी आते हैं दोस्तों, इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट्स ऐसे भी आते हैं जिसके अंदर दोनों तरह के फीचर होते हैं कि आप ऑटोमेटिक हीट सेट करना चाहें वो भी कर सकते हैं, और अगर आप मैनुअल करना चाहें तो मैनुअल भी कर सकते हैं। तो आप वो इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट खरीदिए जिसमें ये दोनों फीचर होने चाहिए। इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट का मटेरियल, आइए मटेरियल के बारे में बात कर लेते हैं क्योंकि मटेरियल भी बहुत ज़्यादा जरूरी है दोस्तों। वैसे तो ज़्यादातर इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट्स को पॉलिएस्टर मटेरियल का ही बनाया जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं और काफ़ी वक्त से पॉलिएस्टर मटेरियल का ही इस्तेमाल किया जा रहा है इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट के अंदर। पॉलिएस्टर मटेरियल होने की वजह से दोस्तों इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट के अंदर जो वायरिंग है और जो हीटिंग एलिमेंट्स है वो बिल्कुल भी महसूस नहीं होते, और इसी वजह से जब हम रात को इस्तेमाल करते हैं कंबल को और सो जाते हैं हमारे बिल्कुल भी ख्याल नहीं होता, तो हम जैसे तैसे मोड़ते हैं अपने आप को, करवट लेते हैं, जिस तरह से भी उसका इस्तेमाल करते हैं तो हमें बिल्कुल भी तार और उसके इलेक्ट्रिक एलिमेंट्स महसूस नहीं होते, और उस वजह से हमारे जिस्म पे, हमारे स्क्रीन पे किसी भी तरह की कोई चोट नहीं लगती, कोई खरोच नहीं लगती। तो इस बात का भी आप खास ख्याल रखिएगा कि इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट्स को ज़्यादातर दोस्तों पॉलिएस्टर मटेरियल का ही बनाया जाता है क्योंकि आग से भी काफ़ी सेफ होते हैं, इस बात का भी आप खास ख्याल रखिएगा। और इसके साथ साथ दोस्तों कुछ इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट्स वूल यानी ऊन के भी बने आते हैं जो कुदरती फायर रेसिस्टेंट होते हैं, ये भी बहुत अच्छे साबित होते हैं, अपने अंदर गर्मी काफ़ी देर तक रोक सकते हैं। आप देख लीजिए कि आपके हिसाब से कौन सा सही रहेगा, लेकिन अगर आप मुझसे पूछें तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप पॉलिएस्टर मटेरियल वाला ही इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट खरीदिए और उसे इस्तेमाल कीजिए। इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट की सेफ्टी दोस्तों, बहुत सारे लोग इस बात से परेशान हैं कि इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट इस्तेमाल करने में कितना सेफ है, कितने वो महफूज हैं इसे इस्तेमाल करने के लिए। बात बिल्कुल सही है, और ये हकीकत बात है कि अगर आपने इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट का सही से इस्तेमाल नहीं करा, गलत ढंग से इस्तेमाल करा, गलत तरीके से इस्तेमाल करा तो आपको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, काफ़ी दुश्वारियाँ आपके सामने आ सकती हैं। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप जो भी इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट खरीद रहे हैं रिक्वायर्ड सेफ्टी स्टैंडर्ड को पूरा करने वाला हो, जी हाँ, यानी बहुत ज़्यादा सेफ हो, आपको कोई भी खुदा नखास्ता कुछ में परेशानी नहीं आए, तो इस बात का भी आप खास 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 ख्याल रखिएगा दोस्तों। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है और ये कपड़े में है, और इसके साथ साथ रात में इसे इस्तेमाल किया जाता है, बेखबर इंसान सोता है, दिन भर का थका हुआ होता है, तो अगर हम रात में बेध्यानी में कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी खुद के ऊपर या खुद के नीचे, तो उसकी क्वालिटी तो अच्छी होनी चाहिए, उसकी सेफ्टी भी 101% होनी चाहिए, 100% भी काम नहीं चलेगा, तो इस बात का भी आप खास ख्याल रखिएगा। और दोस्तों अगर मैं आपको इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट की सेफ्टी के बारे में और भी ज़्यादा डिटेल में बताऊं तो जो भी इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट आप खरीद रहे हो आप खरीदने से पहले उसके पैकेट पे ये देखिए कि उसके पैकेट के ऊपर ETL या UL मार्क है या नहीं। जी हाँ, ETL और UL मार्क अगर है, या सिर्फ ETL मार्क है तो भी ठीक है, या सिर्फ UL मार्क है तो भी ठीक है, अगर ये दोनों मार्क है तो बहुत बढ़िया है। जो भी इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट आप खरीद रहे हैं अगर उसके पैकेट पे ETL या UL मार्क है तो बहुत अच्छा है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट्स काफ़ी हद तक सेफ है इस्तेमाल करने के लिए। तो आप इस बात का खास ख्याल रखिएगा कि सेफ्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्या पता छोटा बच्चा भी आपके साथ सोए और आप उसे भी इलेक्ट्रिक कंबल में सुलाएं, तो इस बात का आप खास ख्याल रखिएगा कि सेफ्टी के हिसाब से एज अ सेफ्टी मेजर आप जो भी इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट खरीद रहे हैं उसके ऊपर ETL या UL मार्क होना चाहिए। इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट की क्लीनिंग, बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है दोस्तों कि इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट्स गंदा हो जाता है उसे धोना है, लेकिन कंपनियां मना करती हैं। जी हाँ, इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट्स को बिल्कुल भी धोना नहीं चाहिए कंपनी के हिसाब से, क्योंकि इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट्स धोने के बाद से ख़राब हो जाते हैं। जी हाँ, बहुत सारे कस्टमर की शिकायत आई है कि इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट जब धोया और उसका इस्तेमाल किया तो वो बिल्कुल भी चालू नहीं हुआ, उसने गर्मी नहीं दिया, कहीं से गर्म हुआ कहीं से नहीं हुआ, कोई फॉल्ट उसमें हो गया, 10 तरह की परेशानी हो गई। तो इसलिए ज़्यादातर कंपनियां मना करती हैं कि आप उनके इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट्स को बिल्कुल भी मत वॉश कीजिए। जी हाँ, लेकिन दोस्तों बहुत सारी कंपनियां अब इस तरह के इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट्स बनाने लगी हैं कि उन्हें वॉश किया जा सकता है, लेकिन सभी ब्लैंकेट्स को नहीं किया जा सकता, सिर्फ कुछ खास ब्लैंकेट्स को ही वॉश किया जा सकता है। तो जो भी इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट आप खरीद रहे हो आप इस बात का भी खास ख्याल रखिए और कंपनी वाले से पूछिए कि ये वॉशेबल है या नहीं है, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो आप देख लीजिएगा कि आपको ये नहीं धोना। जी हाँ, क्योंकि कभी कभी कोई चीज़ उस पर गिर जाती है, कुछ हो जाता है, गंदा हो जाता है, 10 चीज़ें हो जाती हैं, इस बात का आप खास ख्याल रखिएगा कि बहुत सारे इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट्स को धोया नहीं जा सकता, लेकिन कुछ ब्लैंकेट्स ऐसे हैं जिनको धोया जा सकता है, वो भी
एज पर मैन्युफैक्चर सजेशन। पहले आप उसकी जो है इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिएगा कि इसे किस तरह से धोना चाहिए। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट मेरा तो वॉशेबल है, उसे उठाया और उसको तय करके वॉशिंग मशीन में डाल के उसे घुमा दिया और उसका बेड़ा गर्क हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ जो वॉशेबल होते हैं उनको भी आप वॉशिंग मशीन में नहीं धो सकते। मैं फिर से आपसे कह रहा हूं कि एज पर मैन्युफैक्चरर सजेशंस के हिसाब से ही आप वॉश कीजिएगा अपने इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट को, क्योंकि आपने रकम खर्च करी है, मेहनत का पैसा था आपका, तो आप बड़े ध्यान से, बड़े आराम से और सोच समझ के इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट को खरीदिए। आइए दोस्तों बात करते हैं इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट के साइज के बारे में। दोस्तों मार्केट में कई सारे साइज में इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट अवेलेबल हैं, जैसे सिंगल साइज में भी अवेलेबल है, डबल साइज में भी अवेलेबल है, क्वीन साइज में भी अवेलेबल है और किंग साइज में भी अवेलेबल है। तो आप ये देखिए कि आपको किस हिसाब से इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट खरीदना है, आपके पास जगह कितनी है, आपका बेड कितना बड़ा है। अगर आपके पास सिंगल बेड है तो सिंगल साइज खरीदिए, डबल है तो डबल खरीदिए, और इससे भी ज्यादा बड़ी अगर आपके पास जगह है, आप बहुत बड़ा खरीदना चाहते हैं, तो आप किंग साइज खरीदिए, जो शायद मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा बड़ा साइज होगा इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट में। लेकिन जितना ज्यादा बड़ा साइज आप खरीदेंगे उतने ही ज्यादा पैसे आपको देने पड़ेंगे, तो इस बात का भी आप खास ख्याल रखिएगा। दोस्तों जिसम में सर्दी के हालात का सामना करने की सलाहियत अलग अलग लोगों में अलग अलग तरह से होती है। किसी को सर्दी में बहुत ज़्यादा ठंड लगती है और किसी को सर्दी में कम ठंड लगती है। सबके अपने अपने तरीके, अपने अपने हिसाब हैं, सबको अल्लाह ताला ने अलग अलग बनाया है। इसी को मद्देनजर रखते हुए कंपनी ने भी डुअल टेम्परेचर कंट्रोल अब देना शुरू कर दिया है इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट्स के अंदर। जी हाँ, अब इस डुअल टेम्परेचर कंट्रोल फीचर का क्या मतलब है दोस्तों? तो दोस्तों ये बहुत ज़्यादा काम का फीचर है। इस बात का भी आप खास ख्याल रखिएगा कि जो भी इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट आप खरीद रहे हैं उसके अंदर ये डुअल टेम्परेचर कंट्रोल फीचर भी होना चाहिए। मैं बताता हूँ क्यों होना चाहिए। ये इसलिए होना चाहिए दोस्तों, मान लीजिए आप अपना इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट किसी के साथ शेयर करते हैं और वो कोई कमज़ोर इंसान है, उसे सर्दी ज़्यादा लग रही है, आपको सर्दी कम लग रही है, आपको हीट कम चाहिए लेकिन उसे ज़्यादा चाहिए, तो जब आप अपना इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट उसके साथ शेयर करेंगे, दोनों साथ में उस ब्लैंकेट को ओढ़ेंगे, वो इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट उस कमज़ोर शख्स को ज़्यादा गर्मी देगा और आपको कम गर्मी देगा। जी हाँ, ये है डुअल टेम्परेचर कंट्रोल फीचर की खासियत। क्योंकि अब जो इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट आ रहा है ना, वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा समझदार उनको बनाया जा रहा है। तो इस बात का आप खास ख्याल रखिएगा कि जो भी इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट आप खरीद रहे हैं उसके अंदर डुअल टेम्परेचर कंट्रोल फीचर होना चाहिए। और दोस्तों आप जो भी इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट खरीद रहे हैं आप ये भी देखिए कि उसके अंदर ऑटो शट ऑफ फीचर है या नहीं। जी हाँ, पहले जो इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट आते थे उसके अंदर कोई इस तरह का फीचर नहीं होता था। यानी आपने अगर इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट को ऑन करा उसके बाद आप सो गए, गलती से भूल गए उसे बंद करना और आपको नींद आ गई, आप सो गए, तो रात भर गर्मी देता रहता था और उसकी हीट इतनी ज़्यादा हो जाती थी कि आप सोच भी नहीं सकते, जिससे काफ़ी नुकसान हो सकते थे। गर्मी ज़्यादा के होने की वजह से आग भी लग सकती थी, खुदा ना खास्ता शॉर्ट सर्किट हो गया या अंदर कोई फॉल्ट हो गया, उसके अंदर कुछ भी हो सकता था, क्योंकि वो पहले का ज़माना था, चीज़ें इतनी ज़्यादा, टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा अपडेट नहीं थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट के अंदर ऑटो शट ऑफ फीचर आ चुका है। यानी अगर आप बंद करना भूल गए और सो गए, तो आपके सोने के बाद इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट्स की हीट जब एक लेवल पर आ जाएगी, उसको लगेगा यार अब तो बहुत गर्मी हो गई, लेकिन शायद ये शख्स सो गया है तो इसलिए मैं खुद ही बंद हो जाता हूँ, तो वो खुद बंद हो जाएगा। अब इतने स्मार्ट हो गए इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट। दोस्तों अगर मैं आपसे बात करूँ कि आपको कौन से ब्रांड का इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट खरीदना चाहिए, तो फिलहाल अगर मैं आपको बताऊं तो मार्केट में कोई भी बड़े ब्रांड का इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट अवेलेबल ही नहीं है। जी हाँ, कोई भी बड़ा ब्रांड इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट बना ही नहीं रहा है। इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट को बनाने वाले वो ब्रांड्स हैं जिन्हें कोई जानता ही नहीं है, बहुत छोटे लेवल के ब्रांड हैं, और वो ब्रांड आपको गूगल पर भी बड़े मुश्किल से मिलेंगे, ज़्यादातर वो ब्रांड आपको फ्लिपकार्ट पर मिलेंगे या अमेज़ॉन पर मिलेंगे। जी हाँ, तो मैं आपको क्या बताऊं कि आप कौन से ब्रांड का खरीदो, बस आपको मैंने जो डिटेल्स बताई हैं ना, सारी चीज़ें बताई हैं, आप उस हिसाब से ब्लैंकेट खरीदोगे, चाहे वो किसी भी ब्रांड का हो, क्योंकि ब्रांड तो यहाँ पे सारे ही ठगे हुए हैं, सभी वो ब्रांड है जिनको कोई नहीं जानता, कोई ऐसा ब्रांड नहीं है, कोई ऐसा बड़ा ब्रांड नहीं है जिस पर भरोसा किया जाए। तो आप जो भी खरीदो, किसी भी ब्रांड का खरीदो, तो आप ये देखो कि जो भी मैंने आपको बताई हैं चीज़ें, वो चीज़ें उस ब्रांड के अंदर हैं या नहीं है, या वो फीचर वो ब्रांड इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट में अपने दे रहा है या नहीं दे रहा है। दे रहा है तो खरीदो, नहीं दे रहा है तो किसी और ब्रांड को सर्च करो, ढूंढो कि उसमें ये फीचर है या नहीं, या अगर ये सारे फीचर भी नहीं भी हैं तो भी जितने ज़्यादा हों उतना बेहतर आपके लिए हो जाएगा इंशाल्लाह। इसके साथ साथ दोस्तों, क्योंकि ब्रांड कोई ऐसा वैल्यूएबल नहीं है, कोई ऐसा भारी भरकम ब्रांड नहीं है, कोई ऐसा ब्रांड नहीं है जिसको देखकर, जिसका प्रोडक्ट इस्तेमाल करके मज़ा आए, तो यहाँ पे सब थके हुए और हल्के लो कॉस्ट वाले ब्रांड हैं। तो दोस्तों आप वारंटी की भी क्या उम्मीद करोगे, ये ब्रांड्स आपको सिर्फ एक साल की ही वारंटी देंगे, इससे ज़्यादा की वारंटी नहीं देंगे, क्योंकि इनका स्टैंडर्ड लो है, ज़्यादा हाई नहीं है, समझ रहे हैं आप। अगर इनका स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा हाई होगा तो ही आपको वारंटी भी अच्छी मिलेगी, लेकिन जहाँ तक मेरा नज़रिया जाता है, जहाँ तक मेरी सोच और मेरा एक्सपीरियंस जाता है, ये लोग शायद ही एक साल से ज़्यादा की वारंटी दें। लेकिन अगर दे देते हैं, क्योंकि मैं तो आज वीडियो बना रहा हूँ ना, आप देख लीजिए कि इस वीडियो की अपलोडिंग डेट क्या है। अगर आप ये वीडियो 2 महीने 6 महीने 7 महीने 1 साल बाद देखते हो, अगले सीज़न में देखते हो, अगले विंटर में देखते हो, और उस वक्त कोई बड़ा ब्रांड आ जाता है और अपना इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट लॉन्च कर देता है, तो मेरी ये बात उस वक्त गलत होगी। तो मैं आपको सेफर साइड रख के अपनी बता रहा हूँ कि अभी फिलहाल कोई भी अवेलेबल नहीं है 2020 में, 2021 में आता है, तो आप उस हिसाब से उस बड़े ब्रांड का इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट खरीदिए। मैं उस वक्त इंशाल्लाह आपको कुछ नया बताऊंगा इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट के बारे में।
दोस्तों ये थी हमारी वीडियो इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज इस वीडियो के अंदर इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट के बारे में काफ़ी कुछ समझ में आया होगा, इत्मीनान से आपने काफ़ी कुछ समझा होगा, सीखने को आपको काफ़ी कुछ मिला होगा। क्योंकि YouTube पर मेरा ऐसा ख्याल है कि शायद अभी तक तो मैंने ऐसी कोई वीडियो देखी नहीं थी जिसमें इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट के बारे में तफसील से और इत्मीनान से समझाया गया हो जैसे मैंने अभी आपको बताने की कोशिश करी। दोस्तों आपको मेरी ये मेहनत और ये मेरी ये वीडियो कैसी लगी इस वीडियो के बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो के अनबॉक्स में मुझे आप ज़रूर लिखिए कि आपको इस वीडियो के अंदर कितना मज़ा आया और आपको क्या क्या सीखने को मिला। अगर आपका कोई सवाल है मुझसे जो आप पूछना चाहते हैं तो वो आप इस वीडियो के अनबॉक्स में मुझे लिखिए, मैं आपको उसका जवाब जल्द से जल्द देने की कोशिश करूँगा इंशाल्लाह ताला। इसके साथ साथ दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, लाइक करेंगे तो मेरा भी मोटिवेशन बना रहेगा और मुझे और ज़्यादा खुशी होगी कि मेरी मेहनत को आप लोग इस तरह से सराह रहे हैं, इतनी मोहब्बत दे रहे हैं, तो मैं भी कुछ ऐसी चीज़ें लाऊँ जो बहुत सारे लोग नहीं सिखा रहे हैं आपको। जी हाँ, मैंने काफ़ी सारी वीडियोज़ ऐसी बनाई हैं दोस्तों जो बहुत सारे यूट्यूबर्स ने नहीं बताई, बहुत सारे बड़े बड़े चैनल्स ने आज तक नहीं बताई, लोग परेशान हैं। मैं वो चीज़ बताता हूँ जो बिल्कुल ज़रूरत की चीज़ होती है। अभी सर्दी है, इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट बहुत सारे बुजुर्ग चाहिए, बहुत सारे घरों में चाहिए, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि मेरी ये सारी मेहनत आपके काम जरूर आएगी और आपको अपने लिए एक अच्छा ब्लैंकेट खरीदने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर दबाइएगा और अपने जानने वाले से कहो कि सब्सक्राइब करो द मैजिकल माइंड्स यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है साकिब खान, फिलहाल के लिए बस इतना ही, शुक्रिया।